मुझे छत से कोई आवाजें आ रही हैं। तुम ऊपर क्या कर रहे हो? छत पर चला गया रात को, डंडा लेकर पहुंचा कि रुक मैं देखता हूँ। यार एब्यूज एमसी बीसी वो सारा कुछ करते हुए पहुंचा वहां पर। अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं जब मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैं जमीन पर बिस्तर बिछा कर हम दोनों लोग लेटे हुए थे, एकदम से ऑन अ फ्लैश कुछ वहां पर सामने आकर बैठा, और सामने आकर बैठने के बाद में वो कॉन्स्टेंटली मेरे इस फ्रेंड को घूरने लगा। आई जस्ट कांट इमेजिन कि मैंने उससे डरावना आज तक कुछ भी देखा हो। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल में। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोवर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अगर आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट होता है, आप उसे मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। आपसे बस एक रिक्वेस्ट होगी कि उसे रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें ताकि मैं ट्रैवल करते टाइम उसे ईजिली सुन पाऊँ। कहते हैं ना दोस्तों कि अक्सर हमें कभी कभार सीख मिल जाती है कुछ गलत करने पर, लेकिन कभी कभार किसी दूसरे की गलती हमारे लिए बहुत बड़ी सीख होती है। ये जब भी मैं वीडियोस बनाता हूँ अपने YouTube चैनल पर, ये सोच के बनाता हूँ कि आप इन चीज़ों से दूर रहें जो चीज़ें इंसान को बहुत ही ज़्यादा परेशान करती हैं। वो है ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जिसमें अगर एक बार इंसान घिर गया तो उससे कभी बाहर नहीं निकल पाता। आज का जो रियल इंसिडेंट है, ये हमें आलोक ने भेजा है जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। आलोक 2016 में अपनी हायर एजुकेशन के लिए, 12वीं क्लास पढ़ने के लिए जो है मध्य प्रदेश के विदिशा, एक डिस्ट्रिक्ट है उसके 100 किलोमीटर दूर एक गांव था, वहां पर गए थे। आलोक ने बताया कि पढ़ाई में वो शुरू से ही बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छे रहे हैं। उन्होंने अपनी एजुकेशन को हमेशा टॉप लेवल कम्प्लीट किया है। उनकी फैमिली उन पर इतने रिलाय करती थी क्योंकि आलोक अपने घर में इकलौते थे, उनकी फैमिली पूरी तरीके से उन पर डिपेंडेंट थी। उनके माँ बाप ने उन्हें इस तरीके से पाला था कि वो जानते थे कि आलोक पढ़ाई में इतना अच्छा है, ये कहीं भी जाएगा, अगर अकेले भी रहेगा तो ये कभी पढ़ाई से भटकेगा नहीं। हालांकि हर किसी की ज़िंदगी में दोस्त तो हुआ करते हैं, और ऐसे दोस्त जो कुछ हरामी किस्म के हो तो वो इंसान को राह से भटका देते हैं, लेकिन आलोक उनमें से नहीं थे। आलोक ने बताया, अक्षय भाई 2016 में मैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए मध्य प्रदेश विदिशा से 100 किलोमीटर दूर एक रेंटेड घर में गया था पढ़ने के लिए। वो रेंटेड घर 6 फ्लोर का हुआ करता था। 2016 में उतनी सारी फैसिलिटीज नहीं थी और पैसे भी बहुत कम हुआ करते थे स्टूडेंट क्राउड के पास। तो जो आलोक थे उन्होंने 6 फ्लोर पर एक कमरा लिया था। वो कमरा जब वो खोलते थे बालकनी से बहुत अच्छा व्यू दिखे करता था, आसपास बहुत हरियाली दिखती थी। लेकिन जो चीज़ उन्हें परेशान करती थी वो थी उनके छत के ऊपर से आती आवाज़ें जो रात के 1 से 2 के बीच में आया करती थी। आलोक ने बताया कि अक्षय भाई, जब मैं 2016 में वहाँ शिफ्ट हुआ तो मैं अपने स्कूल जाया करता था, और जब मैं स्कूल से वापस आता था तो जब मैं पढ़ने बैठता था रात को 12 से 2 के बीच में, तो मुझे छत से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी, जैसे मान के चलिए कोई सिलेंडर को रोल कर रहा हो। उन्होंने कभी कभार इस चीज़ पर ध्यान दिया और कभी कभार इस चीज़ को इग्नोर किया। मैंने उनसे कॉल पर बात की, मैंने पूछा कि भाई आलोक, आप ऐसे कैसे कर पाते थे कि आपके 6ठे फ्लोर पर आवाज़ आ रही है तो आप इग्नोर करते हो? तो उन्होंने बताया कि भैया, मेरे घर के आसपास ऐसी चीज़ें बहुत पहले से होती थी तो मुझे इन चीज़ों का अनुमान था, तो मैं पैरानॉर्मल इंसिडेंट से इतना ज़्यादा नहीं डरता। हालांकि उस जगह कोई और होता तो शायद उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता था। उन्होंने बताया कि जब वो 2 से 3 महीने वहाँ रहे तो पहले दूसरे महीने सब कुछ नॉर्मल था, वो आते थे, पढ़ते थे और सो जाते थे। लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें उनकी जो छत थी वहाँ पर बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई सिलेंडर को कभी रख देता है, कभी उसे रोल करता है। और जब वो ऊपर देखने जाते थे कि शायद 6 फ्लोर हैं, अलग अलग फैमिलीज रह रही हैं, और ऊपर जाकर देखते थे कि उनमें से कोई घूम तो नहीं रहा, तो वहाँ पर कोई भी नहीं हुआ करता था। उन्होंने बताया कि उनके घर के सामने एक पीपल का पेड़ था जहाँ पर लोग आए दिन अक्सर अजीब अजीब सी हांडियाँ लटका कर जाते थे, जिसमें शायद कभी किसी की अस्थियाँ होती थी या किसी की दुआएं, या फिर ऐसी कोई चीज़ें जो उनके समझ से परे थी। उन्होंने इस चीज़ को अपनी फैमिली में भी डिस्कस किया था कि घर के सामने पीपल का पेड़ और वहाँ लोग हांडी टांग के जाते हैं, तो उनके घर वालों ने कहा था तो इन सब चीज़ों से दूर रहें और पढ़ाई में ध्यान लगा। चीज़ें दिन पर दिन बिगड़ना शुरू होती है।
जब वो 2 से 3 महीने बीतते हैं उनके वहाँ पर और वो अपने स्कूल से वापस आते हैं, तो वो देखते कि जो बर्तन उनके गंदे हुआ करते थे वो क्या करते थे, छत पे एक रैक था उनका, उसमें बर्तन के रैक में रख दिया करते थे। और जब वो वापस आके देखते थे तो जो बर्तन हुआ करते थे वो अजीब अजीब सी जगह पर रखे होते थे, जैसे किसी ने उठाकर उन्हें पूरी छत पर बिखेर दिया। तो जब वो वापस आते थे उन्हें देखकर बहुत अजीब लगता था, उन्हें लगता था शायद कोई बिल्ली या जानवर आया जिन्होंने इन बर्तनों को पूरी छत पर बिखेर दिया। तो वो इसको भी बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में लेते थे। ये धीरे धीरे एक्टिविटीज़ उनके साथ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। जैसे कभी किसी दिन वो स्कूल से वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनका कमरा थोड़ा सा बिखरा हुआ है, छत पे सारे बर्तन फैले हुए हैं। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार ऑनर को कॉल करूं। फिर सोचा कि यार क्यों इस बात का बवाल बनाना, मैं 12वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा हूं, कितना ही टाइम लगेगा मेरे कमरे को ठीक करने में या फिर बर्तनों को ठीक करने में। लेकिन चीज़ें अलग तरीके से तब सामने आती है जब एक दिन उनका दोस्त उनके घर पे नाइट आउट के लिए आते हैं। उन्होंने बताया कि अक्षय भाई एक 3-4 महीने बाद की बात है जब मेरा दोस्त पहली बार मेरे फ्लैट पर नाइट आउट करने आते हैं। हालांकि उन्हें पता था कि ये आवाज़ें उनके फ्लोर पे आती है, लेकिन जब उनका दोस्त रात को पढ़ने बैठा उनके साथ तो अचानक से छत पर आवाज़ें आने लगी और उनका जो दोस्त था वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगता है और वो ऊपर देख कर एकदम से गालियाँ देने लगते हैं। जैसे आप देखते हैं किसी भी जवान खून को गर्म, जो जोश भरा खून होता है वो क्या करता है, हर चीज़ में नुस्ख निकालता है। तो वो देखते हैं कि तेरी छत पे पागल के बच्चे रहते हैं क्या, पूरी रात घूमते रहते हैं क्या, ये पढ़ने देंगे नहीं देंगे। तो वो ऊपर जाके जब देखता है आलोक के साथ तो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। आलोक उन्हें समझाता है कि भाई यहाँ पर ये चीज़ें नॉर्मल है, ये चीज़ें होती रहती हैं, इन चीज़ों को इग्नोर करो। आलोक का दोस्त क्या करता है, आलोक का जो दोस्त होता है वो ऊपर देखकर माँ बहन की गालियाँ निकालना शुरू कर देता है कि तेरे बस किया तो तू एक काम कर, हमारे सामने आ, तू जो भी एंटिटी है हमारे सामने आ अगर तेरे बस किया तो। और कहते हैं ना कि ऐसे टाइम पर इन चीज़ों को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए, खासकर कि जब इनका वक्त हो। अगले दिन वो तो वहाँ से चला गया, लेकिन आलोक के साथ एक्टिविटीज़ बढ़ना शुरू हो गई। धीरे धीरे उन्हें ऐसा लगता था जब वो सो रहे होते थे तो उनका कंबल कोई खींच रहा है। हालांकि उन्होंने बताया कि वो उस परिवार से थे जहाँ पर इन चीज़ों का उन पर कोई असर नहीं पड़ता था, लेकिन जब कंबल खींचने वाली हरकत हुई तो आलोक भी थोड़ा सा परेशान हुए। लेकिन फिर भी आलोक ने बहुत डट के उनका सामना किया। कैसे ना कैसे दिन निकलते गए। कुछ दिनों बाद प्लान बनता है कि उज्जैन महाकाल मंदिर जाना है घूमने के लिए, और वो किसी को बिना बताए उज्जैन महाकाल मंदिर चले जाते हैं अपना कमरा लॉक करके। जब वो उज्जैन पहुंचते हैं और वहाँ पे एक धर्मशाला लेते हैं तो रात के 2 बजे उनकी ओनर का कॉल उनके पास आता है कि भाई एक बात बताओ, तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो, कोई सिलेंडर विलेंडर घुमा रहे हो क्या तुम अपने फ्लोर पे, 5वें और 4थे फ्लोर वालों का कॉल आ रहा है। तो आलोक बताते हैं कि आंटी जी मैं तो वहाँ पर हुई नहीं, मैं तो उज्जैन आ रखा हूँ। उनकी आंटी जो थी वो बोलती है कि तुम झूठ मत बोलो, मैं ऊपर आ रही हूँ। और जब वो ऊपर जाके देखती हैं तो वहाँ पर आलोक नहीं था, कमरे पर ताला लगा हुआ था। आलोक फिर उन्हें कॉल करते हैं 15 मिनट बाद कि आंटी सब ठीक है क्या हुआ है, तो आंटी बोलती है कि कुछ नहीं बेटा, कुछ वहम हो गया होगा, आवाज़ें सुन रही होगी इन्हें, कोई नहीं तू आराम से रहा आ जाइयो। आलोक फिर दोबारा वापस आ जाते हैं अपने घर पर जहाँ पर वो उस फ्लोर में पढ़ने के लिए रह रहे थे, और उनका स्कूल जाना आना फिर दोबारा स्टार्ट हो जाता है। 2 से 3 महीने बाद ये इंसिडेंट जब सारे होते हैं फिर उनका दोस्त वहाँ पर आते हैं, जो उनका दोस्त था। फिर वहाँ पर आने के बाद वो जो है रात को पढ़ने बैठते और छत पर फिर वही सारी हरकतें होती हैं। इस बार ये क्या करते हैं, फिर दोबारा गालियाँ निकालते हैं और इस बार फिर चैलेंज देते हैं कि अगर तुम्हारे बस किया ना इस बार मेरे सामने आओ, मैं यहीं बैठा हुआ। और आलोक कहीं ना कहीं अपने दिमाग में ये चीज़ सोच के बैठा था कि यार हमने हमेशा सुना है कि अगर हम इन चीज़ों को चैलेंज नहीं करते ना तो ये हमें कुछ करती नहीं है। कैसे ना कैसे अगले दिन सुबह होती है, उसके दोस्त के साथ कुछ भी नहीं होता, तो फाइनली वो उसे भेज देता है। 3 दिन बाद उनके नियर बाय एक पार्टी थी जहाँ पर आलोक को बुलाया गया था, और उसने अपने दोस्त को बोला कि यार मैं अकेला नहीं जाऊँगा, तू भी मेरे साथ चल। तो 2-3 दोस्त और भी आए थे उनके फंक्शन को अटेंड करने के लिए, तो उस दिन उन्होंने थोड़ी सी ड्रिंक की हुई थी जो कि अपने फ्लैट पे ही की थी। बाकी सारे दोस्त थे वो थोड़ा सा फिर भी जो थे होश में थे, लेकिन जो उनका दोस्त था जो हमेशा उनके फ्लैट पे आता था उसने उस दिन कुछ ज़्यादा पी ली थी। पीने के बाद वो नियर बाय जगह देखकर वॉमिटिंग करने लगा। आलोक ने बोला तुम सब जाओ, मैं इसे फ्लैट पे लेके जा रहा हूँ, ये अपने घर नहीं जा पाएगा। तो आलोक जो है उसको, लिफ्ट तो थी नहीं घर में, तो पैदल 6ठी मंजिल पे लेके आया और उसे लेटा दिया। तो फिर वही हुआ, जब वो वापस 1-1.5 बजे आए तो फिर 6th फ्लोर पर वही सारी आवाज़ें आनी स्टार्ट हुई। इनके दोस्त ने पी रखी थी और पिए हुए उस फॉर्म में जो था उनका दोस्त गाली देने लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम सिर्फ बोलने के हो, जो भी है सामने आओ ना तब बताऊँ। तो आलोक देखता है कि अंधेरा था, अंधेरे रूम में उनके कमरे में सिर्फ एक किचन थी, एक वॉशरूम था, 1 सेट रूम था, और वो दोनों जो है किचन के सामने बिस्तर बिछाकर कंबल ओढ़ के सो रहे थे। आलोक ने बताया कि अक्षय भाई आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने वो इंसिडेंट देखा। उन्होंने देखा कि उसका जो
आलोक का दोस्त था वो उसके आगे सोया हुआ था, उसका मुंह अनकवर्ड था। आलोक किचन की तरफ देख रहा था, उसे नींद नहीं आई थी। उन्होंने देखा कोई फीमेल एंटिटी अचानक से किचन की तरफ आती है, वहाँ पर खड़ी होती है और उनके दोस्त को बहुत बुरे तरीके से घूरना शुरू करती है। और आलोक उनको देख रहा था और वो उनके दोस्त को देख रही थी, आलोक से कोई आई कॉन्टैक्ट नहीं था। आलोक ने क्या करा, ब्लैंकेट उसके मुंह पर डाला, उसके तकिए के नीचे एक हनुमान चालीसा रखी और अपने दोस्त को बोला, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, कुछ भी मत बोलियो, आप चुपचाप सो जा। उनका दोस्त इतने नशे में था उसे पता भी नहीं चला कि उसे कब नींद आ गई और वह कब सो गया। आलोक का जो दोस्त था, जब सुबह उसने आलोक ने देखा अपने दोस्त को तो उसे 102 फीवर आ चुका था और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसे उसके घर भेजा गया और आलोक ने जब पता करा फ़ोन पे तो एक हफ्ते से उसकी तबीयत ख़राब थी, तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। उसने क्या करा, उसके पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पर होता है और इसने ऐसे ऐसे उनको चैलेंज करा, गालियाँ दी, MC, VC सब कुछ बोला। तो उनके पेरेंट्स ने जब किसी मौलवी से दिखवाया, किसी पंडित या तांत्रिक से दिखवाया, तो पता चला कि इसके ऊपर किसी प्रेत का साया है। उसे वहाँ पर कुछ पानी पिलाया गया, गंगा जल छिड़का गया और फिर उसको एक ताबीज़ दिया गया जो आज तक 2016 से उनका दोस्त अभी तक पहनता आ रहा है। आलोक ने बताया, अक्षय भाई जब भी कभी मैं अपने दोस्त के पास फ़ोन करता हूँ पूछने के लिए कि तू ठीक है, तो वो बताते हैं कि जब भी लॉकेट मैं उतार देता हूँ ना भाई, मेरी तबीयत बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो जाती है। फिर मैंने आलोक से पूछा, यार मुझे ये बताओ कि उस फ्लोर में ऐसा था क्या, छठे फ्लोर में, जो इतने इंसिडेंट हुआ करते थे? तो उन्होंने बताया कि अक्षय भाई जो 6th फ्लोर था ना, जिस रूम में मैं रहता था उसके बगल में एक रूम था जिस पर ताला लगा हुआ था और मैं हमेशा से ये सोचता आया था कि एक स्टोर रूम है। उन्होंने बाद में बताया कि वहाँ पर एक कपल रहा करता था जिनकी आए दिन भैंसाबाजी हुआ करती थी किसी न किसी चीज़ को रिलेटेड, और वो जो टॉपिक था, जिस टॉपिक के ऊपर उनकी भैंसाबाजी हुआ करती थी, वो थी गरीबी। उनकी गरीबी को लेकर बात हुआ करती थी क्योंकि जो फीमेल थी वो अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाती थी, तो वो जो मेल था उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती थी। तो मेल ने क्या करा, एक दिन रात को गुस्से में आकर अपनी बीवी के मुँह पर हाथ रखा और उसके पेट में 15 चक्कू घोंप दिए। तब से ये इंसिडेंट वहाँ पर हो रहे थे और ये आलोक को तब पता चला जब वो वहाँ से फ्लैट को खाली कर रहा था। खाली करने के बाद आलोक का वो हाल हुआ वहाँ से, हालांकि उनकी तबीयत में फ़र्क तो नहीं पड़ा, लेकिन वो एक ऐसे फ्लैट में रह रहे थे जिसके साइड वाले रूम में, जो कब से बंद है, उसमें एक मर्डर हुआ था। अब बात आती है कि आलोक कैसा है, तो आलोक बिल्कुल ठीक है, उनका दोस्त आज तक ताबीज़ पहन रहे। आलोक ने यही मैसेज दिया इस वीडियो से कि भाई हमें आई थिंक अगर हमारे बगल में भी कोई चीज़ हो रही है ना, उसे इग्नोर करना चाहिए। अगर शायद उस दिन आलोक का दोस्त उस एंटिटी को किचन में देखकर कुछ गाली वाली दे देता तो शायद वो एंटिटी उसे वहीं ख़त्म कर देती। नशे में वो चुप रह गया और उसकी जान बच गई। आलोक ने सबको यही मैसेज दिया है कि कभी हमें इन चीज़ों को चैलेंज नहीं करना चाहिए, गलती से भी इन्हें बुलाना नहीं चाहिए, कब ये हमें किस रूप में घायल कर दे अंदाज़ा भी नहीं। मैं आखिरी में यही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपके साथ ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो या आपके रिलेटिव के साथ, तो गिवन नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो या रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। प्रेफर करना कि आप रिकॉर्डिंग में भेज दो तो मैं रिकॉर्डिंग सुन सकता हूँ, हमेशा मैं कॉल पे अवेलेबल नहीं होता। यूट्यूब और इंस्टाग्राम को तहे दिल से प्यार देने के लिए शुक्रिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप इतना ज़्यादा हमें प्यार दे रहे हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए हो, इस वीडियो के इधर तक आ गए हो, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो, आप हमारे लॉयल ऑडियंस हो, हमें आपसे सिर्फ इतना ही चाहिए होता है। कमेंट्स करना ना भूले, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो अकेले PGs में, हॉस्टल्स में और दूर घर से रहते हैं, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि आसपास क्या हो रहा है। और नेक्स्ट वीडियो आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। मेरे पास में एक बुकलेट थी हनुमान चालीसा की, वो बुकलेट उसको दी कि ये अपने पास में रख और सो जा, ब्लैंकेट हटाकर मत देखना भूल से भी, और तू जो भी बोल रहा है वो मत बोल, बोलना बंद कर दे। मैंने उसकी चीज़ बहुत ज़्यादा सीरियसली बोली थी तो वो एकदम से चुप हो गया और हनुमान चालीसा जो है वो अपने पास में रख कर और वो सो गया।